हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, यूके ट्रिपल से चाइना एक्ट से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलिए मित्रों, हम इस पर आपको जानकारी देते हैं। एंड बीता दिन हुआ हमारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, चलिए इस पर भी आपको जानकारी देते हैं। बेरोजगार संघ ने जो आरोप लगाए हैं पेपर लीक मामले के, उस पर भी आपको हम जानकारी देते हैं। पहले जानते हैं यूके ट्रिपल सी चाइना एक्ट की परीक्षा कैलेंडर एंड जो 200 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगाया है उस पर क्या न्यूज निकल के आई है। तो मित्रों, यूके ट्रिपल सी चयन आयोग ने भी 200 प्लस अभ्यर्थियों पर आगामी परीक्षाओं पर लगाया प्रतिबंध। काफ़ी टाइम से एसटीएफ ने जो यहाँ पे नकलची अभ्यर्थी थे उनकी लिस्ट आयोग को नहीं दी हुई थी। फाइनली आयोग को 200 प्लस अभ्यर्थियों जो नकलची अभ्यर्थी थे उनकी लिस्ट आयोग को एसटीएफ ने थमा दी है। मित्रों, अब यहाँ पर यूके ट्रिपल सी चयन आयोग इनको पहले नोटिस भेजेगा, फिर इसके बाद इनको आगामी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों की सूची हमें मिल चुकी है, इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद इन्हें परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। जीएस मर्तोरिया यूके ट्रिपल सी चयन आयोग के अध्यक्ष। मित्रों, आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई होने के बाद हम अपना एग्जाम कैलेंडर एंड एडमिट कार्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है हमारी एग्जाम जो है मई जून में प्रस्तावित है। यदि आपका वीडियो का एग्जाम है, सचिवालय गार्ड का एग्जाम है एंड बंदरों का एग्जाम है, तो जून तक ये परीक्षाएं आपकी संपन्न हो जानी है। 2 मंथ का आपके पास समय है साथियों, अच्छे से आप लोग तैयारी करें। यदि आपका फर्स्ट गार्ड का पेपर में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके पास ये 2 से 3 अपॉर्चुनिटी और हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छी मेहनत करके अपना अंक अच्छे गेन कर सकते हैं। बीते दिन आपको पता है हुआ फर्स्ट गार्ड का हमारा पेपर, जिसमें बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों से को यहाँ पर पहले पेपर पढ़वाया है। चलिए इस खबर को भी आपको पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने दावा किया कि रविवार को ही बनारक्षी परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका है। हरिद्वार के एक गांव में परीक्षा का पेपर पढ़वाया गया है। बेरोजगार संघ का इस संबंध में एसटीएफ से जल्द मिलेगा। बेरोजगार संघ का कहना है कि हम इस संबंध में एसटीएफ से जल्द मिलेंगे और जो आरोपी इसमें है उनके नाम हम एसटीएफ को देंगे और आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। मित्रों, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। मित्रों, एंड आपको बता दें नकल विरोधी कानून के तहत पहली कार्रवाई हुई है। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से एक दिन पहले 15 ऐसे नकलची अभ्यर्थियों को यहाँ पे चिन्हित किया है जो यहाँ पर नकल की पूरी रणनीति बना रहे थे। आपको पता है यहाँ पर जो मुकेश सैनी था, जो पहले भी पकड़ा चुका है, उसने अपने कोचिंग संस्थान से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए इन 15 अभ्यर्थियों को नकल करवाने का जिम्मा उठाया हुआ था। अब इन पर साथियों नकल विरोधी कानून के तहत पहली कार्रवाई होने वाली है। वन आरक्षी भर्ती में नकल का षड्यंत्र रचने के मुकदमे की जांच एसटीएफ एसएसपी चंद्रमोहन सिंह को सौंप दी गई है, ऐसा नए कानून में प्रावधान के तहत किया गया है। तो मित्रों, दोनों आरोपी जो थे इनको हरिद्वार कोर्ट में पेश करके इनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड में जेल भेज दिया गया। आगे इसमें क्या होता है मित्रों, वो देखने वाली बात होगी। हम लोग आपको तुरंत अपडेट फिलहाल दे देंगे, आप लोगों को जुड़े रहेगा और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग लगे रहेगा। कोई भी न्यूज़ उत्तराखंड में कहीं सब पर भी जारी हो, सबसे पहले अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन। आज की वीडियो में इसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।